आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सामरीन को हमारे चैनल की तरफ से खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आप लोगों की खिदमत में जो दुआ और वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ वो खातिमा बिल खैर के लिए है। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ को करने के बाद आप लोगों का खातिमा खैर पर होगा, ईमान की हालत में होगा, इस्लाम की हालत में होगा। दोस्तों, ये दुआ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की, जिसे अल्लाह ताला ने अपने बारगाह में कबूल व नज़ूल फरमाया। इस वजह से इस दुआ की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, आप लोगों ने यह दुआ और वजीफ़ा कैसे करना है ये बताने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोगों ने इस नीयत के साथ करना है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए सदका जारिया और इसाले सवाब का ज़रिया बनेगी। दोस्तों, आप लोगों ने अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हो जाना है और अव्वल वाही 3 मरतबा दुरूद शरीफ़ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ़ पढ़ने के बाद आप लोगों ने सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 101 पढ़नी है, जो कि कुछ इस तरह है। फातिर समावाति वल अर्दी अंता वली फित दुनिया वल आहिराती तवफ्फानी मुस्लिमं व अल हिकनी बिस्सालिहीन। यानी, ए आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले, तू ही दुनिया व आखिरत में मेरा हकीकी कारसाज है। मुझे अपना फर्मा बरदार बनाकर इस दुनिया से उठा और मुझे नेक लोगों से मिला थे। इस दुआ को करने के बाद आपने अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप उनका खातिमा खैर पर इस्लाम की हालत में करेंगे और आपको ईमान और इस्लाम की हालत में इस दुनिया से उठाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई दुआ और एक नई वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।